अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो है पित्ते की पथरी। बहुत सारे लोगों को पित्ते की पथरी होती है जिसकी वजह से उनके पेट में, उनके स्टमक में, उनके आस पड़ोस की जगह में बहुत शदीद किस्म का पेन होता है और इस कदर होता है कि आपको लगता है कि शायद आपके स्टमक में बहुत ही कोई स्वेर किस्म की प्रॉब्लम हो गई है, जबकि वो पित्ते की पथरी होती है जिसकी वजह से आपको शदीद किस्म का पेन होता है। और आपको चाहिए कि उस पित्ते की पथरी का फौरन ऑपरेट करवाएं, क्योंकि अगर वो पथरी, क्योंकि पथरी का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, बहुत माइनर सा छोटा छोटा होता है रेत के ज़रों की तरह, अगर वो पथरी लबलबे में चली जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इसलिए इसका फ़ौरन ऑपरेट करवाएं। इसके दो तरह से ऑपरेट होते हैं, एक कैमरे के ज़रिए आप लेज़र्स ऑपरेट करवा सकते हैं, एक ओपन ऑपरेट होता है। अच्छा, ओपन ऑपरेट में तो डेफ़िनेटली वो ओपन किया और काट के उसको पित्ते को निकाल लिया तो बात ख़त्म। अच्छा, जो कैमरा ऑपरेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। हाल ही में मेरी कुछ मेरी फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने ऑपरेट करवाया और डॉक्टर से बाय मिस्टेक जब कैमरा बाहर निकालते, ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद जब उन्होंने कैमरा बाहर निकालने की कोशिश की तो वो इतनी जल्दी में उन्होंने निकाला कि वो कट लग गया, और कट लगने की वजह से उस जगह से जो ब्लीडिंग हुई वो पूरे पेट में वो जहरीला मादा फैल गया और उनका बहुत ही स्वेर किस्म का ऑपरेट हुआ, जिससे पूरा पेट चेक करना पड़ा, पूरे पेट की सफाई करनी पड़ी और जिन डॉक्टर्स ने प्राइवेट ऑपरेट किया था उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए बेहतर है कि आप जब भी, अल्लाह ना करे किसी को पथरी है पित्ते की, तो वो अगर लेज़र ऑपरेट करवाता है तो स्ट्रिक्टली डॉक्टर से एक तो लिखवा लें कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी उनकी होगी। सेकेंडली, अगर वो कैमरा बाहर निकालते हैं तो इतनी एहतियात से निकालें कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी वेन को कट ना लगे, कोई जहरीला मादा आपके अंदर ना फैले। अवल तो कोशिश करें कि ये छोटा सा एक ऑपरेट होता है, आप कट लगवा के आप आसानी से पेटा बाहर निकलवा सकते हैं, लेकिन ये इतना भी नॉर्मल नहीं होता। तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, वो किसी तरह की भी हो सकती है, तो इसलिए कोशिश किया करें इन चीज़ों का ख्याल रखें और पित्ते की पथरी का जितनी जल्दी ऑपरेट हो सके वो करवा लिया करें, क्योंकि पित्ते की पथरी अगर लबलबे में चली जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।